अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो ये है जनाब आलू गोश्त की रेसिपी। इसमें हम ऐड करेंगे बीफ। कुकर के अंदर हमने बीफ डाल के रख दिया, जितना आपको ज़रूरत हो या आपने पकाना हो। उसमें हम 2 कप ऐड करेंगे पानी। पानी के साथ हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और हसब ज़ायका नमक। ये डालकर आप पानी को उबलने के लिए रख देंगे थोड़ा सा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन हमने इसमें पीस कर नहीं डाला, साबुत लहसुन डाल दिया है मैंने। ये देख सकते हैं आप, 3 से 4 जवे लहसुन के आप इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम 2 अदद इसमें प्याज ऐड कर देंगे पूरी पूरी। इस तरह से प्याज को डिप करके अंदर हम पानी के साथ कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। और साथ ही हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर भी हमने पूरे साबुत इसमें ऐड कर दिए हैं इस तरीके से। और साथ हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे ढक्कन बंद करके। तो जनाब तकरीबन 10 मिनट बाद आप कुकर का ढक्कन खोलेंगे। उसमें से प्याज, टमाटर और लहसुन आप इस तरीके से अलग निकाल लेंगे। टमाटर के छिलके भी हो चुके हैं, इनको हम साइड पर कर देंगे। प्याज हम अलग से ग्राइंड करेंगे और टमाटर हम अलग से ग्राइंड करेंगे, क्योंकि इनका जो अर्क है वो निकल चुका है। ये मैं आपको झटपट तैयार आलू गोश्त की रेसिपी बता रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। तो जनाब ये हमने टमाटर और प्याज अलग से निकाल लिए हैं। कुकर के नीचे आप दोबारा से फ्लेम ऑन कर देंगे। साथ हम यहाँ पर बॉयल की हुई प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। ये हमने पेस्ट बनाकर मीट में ऐड कर दिया है, क्योंकि मसाले तो इसमें पहले से एडिड थे। उसके बाद हम इसमें ये पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही हम टमाटो का भी पेस्ट इसमें पीस कर ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, इसमें हमने पिसी हुई प्याज और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। साथ हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल डालकर आप अच्छी तरीके से गोश्त को भून लीजिए। ये देख सकते हैं आप, इसके बाद आप अच्छी तरीके से चम्मच चलाकर गोश्त को भून लीजिए। यहाँ अच्छी तरीके से हमारा गोश्त बन रहा है, तो इसमें हम टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरीके से आप इसको भून लीजिए। लाइक कीजिए मेरी रेसिपीज़ को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए मेरी रेसिपीज़ को एंड ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। तो जनाब गोश्त हमारा बन रहा है। से आप चम्मच चलाकर गोश्त को भून लीजिए।
तो जनाब गोश्त हमारा भुन चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप के करीब दही, फेटा हुआ दही ऐड करेंगे और फिर अच्छे तरीके से गोश्त को फिर भूनेंगे और इसमें ये दही को मिक्स कर देंगे। जब गोश्त हमारा अच्छे तरीके से भुन जाए तो इसमें हम गलने के लिए आलू ऐड कर देंगे। तो अदद आलू मैंने बड़े साइज़ में काट लिए हैं, इस तरीके से आप आलू को भी गोश्त के साथ भून लीजिए। देखिए कितने अच्छे से ऑयल हमारा बाहर आने लगा है। जैसे ही गोश्त हमारा भुन जाए उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी हमने गोश्त गलाने के लिए रखा है। गोश्त हमारा ऑलमोस्ट गल भी चुका है लेकिन हमने फिर भी थोड़ी सी कसर ना रहे इसलिए इसमें पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे, ढक्कन बंद करके, ताकि आलू भी गल जाए। शोरबा आप अपने हिसाब से रख लीजिए। 2 गिलास हमने पानी ऐड किए हैं, ये देख सकते हैं आप। आपको जितना गाढ़ा शोरबा रखना है उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर। ये हमने इसके ऊपर जीरा पाउडर ऐड कर दिया है खुशबू के लिए। जीरा पाउडर ऐड करने के बाद अब थोड़ा सा चम्मच को हिला लीजिए। साथ ही हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। थोड़ा हरा धनिया ऐड करने के साथ ही हम हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर देंगे। तो जनाब कुकर हमने कर दिया है बंद और तकरीबन 10 मिनट बाद हम कुकर को खोल के देखेंगे तो गोश्त भी हमारा गल चुका है और आलू गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरी रेसिपीज़ को, तमाम रेसिपीज़ ज़रूर देखा कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच।